दोस्तों दुनिया में ऐसे लोग हैं जो जानवरों को प्यार करने के साथ साथ ही उनके लिए अत्यंत उत्साहपूर्ण होते हैं। इसके अलावा वो लोग घर में पालतू जानवर भी रखते हैं। उनके लिए एक जानवर कितना महंगा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम सभी जानते हैं कि जानवर वफादार और एक अच्छा साथी होता है और हमें यह तनाव मुक्त भी रखता है। कुछ जानवर बहुत ही अनोखे और दुनिया में सबसे महंगे हैं। उनकी कीमत अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन जानवरों की खरीद पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही टॉप 5 जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दे घंटे को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना। और हाँ, वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। नंबर 1, मिस मिसी। मिस मिसी होल्स्टीन नस्ल की एक गाय है। अजीब बात यह है कि ये गाय औसत गाय की तुलना में 50% अधिक दूध का उत्पादन करती है और इसलिए दुनिया में सबसे महंगी गाय है। इसकी कीमत की हम बात करेंगे तो लगभग $1.2 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में इसकी कीमत 8,52,00,000 रुपए से भी ज़्यादा है। इस गाय की कीमत इस वजह से इतनी ज़्यादा थी क्योंकि 2011 में डेयरी एक्सपो कॉन्टेस्ट में इस गाय ने सुप्रीम ग्रेट चैम्पियन अवार्ड जीता था और 2012 में सिको होल्स्टीन कनाडा गौ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी। यही वजह थी इस गाय की कीमत इतनी ज़्यादा थी। नंबर 2, सर लैसलोट एनकोर। दोस्तों अगर बात भारत की जाए तो कोई भी कुत्ते खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च करना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर हम वही बात करें फॉरेन कंट्रीज के बारे में तो वहाँ पर लोग हजारों डॉलर सिर्फ पालतू जानवर को खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं। 2012 में डेली मेल जो एक न्यूज साइट है वहाँ पे येल्लो लेब्राडोर के बारे में एक रिपोर्ट छापी गई थी जिसके मालिक एडगर और नीना ऑटो थे। उन्हें अपने कुत्ते से बहुत प्यार था जिसकी मौत 2008 में हो गई थी। उन्हें वो कुत्ता इतना प्यारा था कि उन्होंने उसका फर्जी डीएनए ले लिया, जिसके बाद उन्होंने बायोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया और वापस उसी कुत्ते को जन्म देने के लिए उन्होंने $1,55,000 खर्च कर दिए, जिनकी कीमत भारतीय रुपये में 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। और यही वजह थी कि इस कुत्ते को मैंने आज इस लिस्ट में शामिल किया। नंबर 3, सफ़ेद शेर के शावक। शेर की ये प्रजाति बहुत दुर्लभ है और इनकी गणना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनका पहली बार 1938 में पता चला था। इसकी कीमत की हम बात करेंगे तो लगभग $1,40,000 है, यानी हम अगर इंडियन रुपीस में बात करेंगे तो ये 1,55,00,000 रुपए होते हैं। इनका उत्परिवर्तन या सफ़ेद रंग कोट रंजकता की वजह से होता है, जो पहली बार तिम्बावती क्षेत्र में देखा गया था। यहाँ तक कि उनकी आँखों का रंग भी चमकदार या सफ़ेद रंग में होता है। यह कहा जाता है कि सफ़ेद रंग दोनों माता पिता के रिसेसिव जीन के कारण है। ये केवल महंगी अफ्रीकी सफारी में देखा जा सकता है। नंबर 4, अलकी कैमल। दोस्तों यह सच है कि अमीर लोग ही महंगी चीज़ों को खरीद पाते हैं, लेकिन कई बार वह कुछ चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा पैसे दे देते हैं कि जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे जानवर में जिसे $3 मिलियन 21,31,00,000 रुपए में खरीदा गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं 2008 को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल, जिसने एक कैमल फेस्टिवल अटेंड किया था जो अबू धाबी में हुआ था, वहाँ उन्हें एक ऊँट बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने इस ऊँट को खरीद लिया, जिसके लिए उन्होंने 10 मिलियन दिरहम दिए थे, जिसकी कीमत भारतीय रुपये में 21 करोड़ से भी ज़्यादा थी। नंबर 5, तिब्बती मेस्टिफ। दोस्तों तिब्बती मेस्टिफ एक प्रकार का बड़ा कुत्ता है जिसके कान और ओंट लटके हुए होते हैं। इसकी कीमत के बारे में हम बात करेंगे तो लगभग $582,000 तक है, यानी हम अगर इंडियन रुपीस में बात करेंगे तो ये 4,38,00,000 का होता है। यह एक तिब्बती कुत्ता है और दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता है जो कि शेर की तरह लगता है। यह समाज में धन के संकेत के रूप में माना जाता है। ये विभिन्न रंगों में जैसे भूरे, काले, सफ़ेद और लाल रंग में पाए जाते हैं। यह कुत्ते घर के रक्षक या गार्ड कुत्तों के रूप में माने जाते हैं, जो रक्षा के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। कमाल की बात यह है कि यह खुद का बचाव करने के लिए बाघों और उनके समूह के साथ लड़ने की भी क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और स्क्रीन पर जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।